साथियों, आप सभी को हमारा नमस्कार। साथियों, आज केस लगा हुआ था और केस का नंबर भी आया, लेकिन अभी पिछली भी डेट पे हुआ था कि एजी साहब को सरकार का पक्ष पहले रखना है, और 17 तारीख को भी यही हुआ था और आज भी 22 तारीख को भी यही था कि एजी साहब को अपना पक्ष रखना है। साथियों, आप सभी भी शेयर कर दीजिए जिससे सभी तक बातें पहुंच जाए। क्या आवाज आ रही है? एक बार क्लियर कर दीजिए, आवाज आ रही है तो फिर कंटिन्यू करते हैं। आवाज आ रही है? एक बार कमेंट कर। ओके ओके, हम बस ज़्यादा समय नहीं लेंगे आप सभी का, बस ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 मिनट। बस आज केस का नंबर आया, आज पूरी तैयारी थी, एजी साहब को बहस भी करना था, लेकिन आज दुर्भाग्यवश बस ये हुआ कि एजी साहब, आज सीजे साहब यहीं पर थे, कोई ऐसा मैटर आया जिसमें कि एजी साहब को कॉल किया गया, मतलब बुलाया गया, तो एजी साहब वहां पर चले गए और वहां पे, क्योंकि पहले जो केस आता उसी में जाना होता है, तो उस केस में वो आज नहीं, उनका कोई प्लान नहीं था कि उस केस को करना है या क्या करना है, उसमें जो जूनियर थे उनको सारी चीजें करनी थी, लेकिन एजी साहब उस केस में एंगेज थे तो एजी साहब को बुलाया गया, एजी साहब वहां बिजी हो गए। तो यहाँ पे क्या हुआ कि हम लोग का नंबर आया तो एजी साहब यहाँ पे नहीं पहुंच सके, जिसमें सरकारी वकील यहाँ पे थे। फिर साथियों, आप लोग शेयर कर दीजिए। फिर क्या हुआ कि केस का नंबर जब आया तो ये हुआ कि सर एजी साहब को अपनी बात रखनी है, तो उसमें अभी एजी साहब वहां पर हैं, तो ये हुआ कि कोई अगली डेट लगा दी जाए जिसमें आप तुरंत सरकारी को से कहा गया कि आप एक डेट बता दीजिए जिस दिन एजी साहब हों और बहस कर सकें, तो उन्होंने कहा कि सर ठीक है, हम बता देंगे। तो ये हुआ कि 7 तारीख को एजी साहब अपनी बात रखेंगे, 7 तारीख को बहस करेंगे। 26, 27, 28, 4 दिन कोर्ट बंद है, जिसमें सैटरडे संडे भी है और 28 और 1 तारीख को भी कोर्ट बंद है। 28 की नोटिस आई है, 1 को महाशिवरात्रि है, तो कोर्ट को सुना जाएगा। आप सभी परेशान ना हो, पूरी कोशिश है और अधिकारी भी चाह रहे हैं कि केस डिसाइड हो जाए, हर कोई इंटरेस्ट ले रहा है और जल्द ही केस डिसाइड भी होगा। हम बस इस वजह से लाई बाकी आप सभी को बता दिए कि आप लोग परेशान ना हो, और पोस्ट लिखना ये सब चीजें बहुत लिखा गया पोस्ट, अब कितना पोस्ट लिखा जाए, तो हमने सोचा बस 2 मिनट के लिए लाइव आएंगे और आपको सारी चीजें बता देंगे। तो ये आप लोग शेयर कर दीजिए सभी ग्रुपों में। आज बस इतना हुआ, नंबर आया और सुबह ही पहुंच गए, सारी पूरा प्रयास किए सारी चीजें, लेकिन नंबर आया और एजी साहब तब तक उधर दूसरे कोर्ट में सीजे साहब ने बुला लिया, तो उनको वहां जाना पड़ा। बुला लिया मतलब ये कि उनका उस केस में पहले रहे होंगे, लेकिन आज कुछ ऐसा प्लान नहीं था कि उस केस को करना है, तो जो है वहां भी बिजी हो गए। तो वहां बिजी होने के बाद तक यहाँ भी नंबर आ गया, तो यहाँ पे फिर डेट लेनी पड़ गई, जिसमें कि डेट 7 तारीख को फिक्स है, डेट फिक्स है, 7 तारीख को मंडे पड़ेगा, उस दिन केस अपना लगेगा। बस इतनी सी बात है। यदि आप कोई क्वेश्चन है, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ लें, एक बार हमको भी आप लोग देखें कि आप लोग को हम अपडेट कर देते हैं, आप लोग को पूरा भरोसा हमारे पे है और हम जो कह देते हैं वही आप लोग मानते हैं, लेकिन हमने कभी झूठ नहीं बोला, जो चीजें हुई सच हुई, जो हुआ वो आपको बताया गया। हम सुबह सुबह पहुंच जाते हैं, 2 दिन से तैयारियों में लग जाते हैं, अधिकारियों से मिलते हैं, सारी चीजें करते हैं, लेकिन होता क्या है कि अगली डेट, लेकिन क्या ये डेट कोई अमर थोड़े ना है, ये डेट एक दिन बंद होगा और सुनवाई भी होगी, सारी चीजें होंगी, बस ये है कि समय आ दीजिए, ठीक है? तो आप लोग परेशान ना हो, जल्दी कुछ जो लोग सुनवाई कराएंगे, ठीक है? ठीक है, तो अब बाय।